सिवनी शहर से 7 किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र बुरकलखापा से आई आनंदक टीम ने भट्टाटोला गांव में ग्रामीणों को जीवन जीने की कला सिखाई। टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं, भौतिक वस्तुओं में तलाश करते हैं, जबकि आनंद स्वयं हमारे अंदर मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ आनंद को महसूस करने की। उदाहरणों के जरिए टीम के सदस्यों ने ग्रामवासियों को अनुभव कराया कि हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। हम हमेशा दूसरों की कमियां निकालने में समय नष्ट करते हैं और स्वयं का आकलन ना कर दुखी होते हैं। टीम ने ग्रामीणों को खास तरह से ताली बजाने की विधि बताने के साथ ग्राम की बेटियों का पूजन किया। तिलक लगाकर बच्चों को खाद्य व खेल सामग्री का वितरण किया गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क वितरित किए गए। इस दौरान नरेंद्र मिश्रा, सी के चौबे, डॉक्टर शिबेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। तान खुशी आते तान याने पान फुटते तान जो है अच्छा लागे है ना। आउ ने यदि उदी पान अंतित दूसरो माता राम तुन बने किसी से यार ते तान भी अच्छा लागा कि यारे फलाने भाई नाक पान छे है ना। खुशी बढ़े मात उदी माता राम तन खुशी बेगा दूसरो माता राम वो नहीं खुशी आई था कि भाई बोरे ना तो ना रोते भाई तोड़ते नन उदी गिलास वो ये रोते ठीक है। सपना खुशी था मायना मीनिंग ताना अलग अलग है तो वरु जन से खुशी बाटे क्या से पटे माई था ठीक है। मियाँ समस्या मियाँ नाटा समस्या बल्ले है खूब है उन्दी साथ खत्म मिलाया आजा आजा ठीक है ना। उन्दी उन्दी समस्या उन्दी उन्दी समस्या जो है मियाँ नाटा खत्म आया इंदे के अमुट जब बातों में का मियाँ तो सर्री उन्सी कुन तो मावा जान पसी थी इमट बाहुन बाहुन मन तुड़ी थी जबकि मियाँ इंदर शहर जो है 4-5 किलोमीटर मत थे है ना। कभी मार आए तो डॉक्टर वाई पर सरकार ही के जो सरकार ही के अभी के भविष्य आप ही लोग हैं। आप लोग जैसे इनको नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। अगर इनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो डेली डेली आप लोग कम से कम ABCD सिखा। कल हम लोग यहाँ बैठे थे बोल रहे थे इनको आठवीं पढ़ लेते पर इनको आठवीं पास कर लेते पर इनको किसी का नाम लिखना नहीं आता क्यों नहीं आता बता। हम भी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।